नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ, तो जो कमज़ोर दिल वाले हैं ये घटना ना सुने और ना ही बच्चे इस घटना को सुने। तो दोस्तों होता क्या है कि एक बार की बात है कि गांव में शादी होती है और शादी के लिए जो था गांव में लड़की की शादी थी और बारात आनी थी। अब बारात जो जानी थी वो जानी थी गुलांगड़ा, गुलांगड़ा पिंड है वहाँ जानी थी। ये पड़ता है चिंतपुर्णी से नीचे। तो दोस्तों होता क्या है कि अब उन दिनों में जो था रास्ता पैदल था और अब पैदल ही रास्ता बारात जाती जाती थी। उस टाइम उन दिनों में रास्ता नहीं होता था, सड़कें नहीं होती थी, सिर्फ छोटे छोटे रास्ते होते थे सिंगल पैर वाले, तो लोग खालसा उठाकर जाते थे। और अब क्या होता है कि उनकी बारात आती है और तो दोस्तों होता क्या है कि बारात पहले तो चली जाती है लड़की के वहाँ से, तो लड़के वाले पहुंचते हैं और बारात पहुंचती है, खाना पीना होता है और खाना खाने के बाद क्या होता है कि वो बारात वापस आती है और वापस भी उनको वहीं से जाना होता था जिस रास्ते से वो गए थे। तो दोस्तों होता क्या कि अब बीच में पड़ता था, अब एक पहाड़ था जो पहाड़ से निकल कर जाना था। तो होता क्या कि जो वहाँ पर बारात होती है ना वो बारात गायब हो जाती है, पूरी बारात गायब हो गई। तो दोस्तों उस बारात का आज तक भी पता नहीं लग पाया वो बारात गई कहाँ। तो दोस्तों ये काफ़ी समय पहले की बात है, आज भी उस पंगे का नाम जो है उस पहाड़ का नाम लाड़ लाड़ी का पंगा बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक बारात गायब हो गई थी। और जब भी क्या होता है कि रात को कोई लोग जैसे वहाँ से अकेले जाते हैं तो कहते हैं आज भी वहाँ पर रात को आवाज़ें सुनाई देती हैं और साथ में ऐसे लगता है कि वहाँ पर कोई शादी हो रही है। तो दोस्तों ये जो घटना है काफ़ी समय की पहले की बात है और आज भी लोग वहाँ पर दिन में तो चले जाते हैं लोग, मगर दोस्तों रात को जो है रात को वहाँ से कोई भी अकेला नहीं जाता है, कोई ना कोई साथ में जाता है तभी वहाँ से निकलते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। और दोस्तों यहाँ से यहाँ पर आगे पीछे चारों तरफ जंगल है। दोस्तों अगर ये कहानी ये घटना आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।